बेस्ट सेलिंग कार्स इन अप्रैल 2023। इस महीने कुछ ऐसा हुआ है कि जो अक्सर देखने मिलता है, वो अब ऐसा ही हुआ है इस बार। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। 10th पोजीशन पे आपकी आई है हुंडई वेन्यू, जिसकी टोटल सेल हुई है 10,342 यूनिट्स की पूरे भारत में। ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। पोजीशन की अगर बात करते हैं मारुति इको, जिसकी टोटल सेल हुई है 10,054 यूनिट्स की पूरे भारत में। मैं हमेशा कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ, इस गाड़ी में क्या ऐसा है, लोग इसको क्यों खरीदते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लोग अपने ऊपर पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इस गाड़ी में कुछ नहीं मिलता है सेफ्टी रेटिंग के मामले में, लेकिन अब कह भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं 8th पोजीशन की, तो उसमें आ जाती है आपकी टाटा पंच, जिसकी टोटल सेल हुई है 10,534 यूनिट्स की पूरे भारत में। और इस गाड़ी की अगर एक्सशोरूम कीमत की बात करें तो 6 लाख से लेकर 9,10,000 रुपए तक की चली जाती है एक्सशोरूम। 9th पोजीशन की अगर बात करते हैं तो ऑल्टो केटन आ जाती है, और मैं बता दूं आपको ऑल्टो 800 डिसकंटिन्यू कर दी गई है और आपको अब ऑल्टो केटन देखने को मिलेगी। और ऑल्टो केटन की बात करते हैं तो अगर इसकी टोटल सेल हुई है 11,548 यूनिट की पूरे भारत में। जहाँ और इस गाड़ी की अब एक्सशोरूम कीमत होगी 4 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक की। और जहाँ पे एक समय था कि 4.5 लाख रुपए में गाड़ी का टॉप मॉडल आया जाया करता था, समय समय की बात है, समय कभी बदलता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th पोजीशन पे आ गई है आपकी मारुति सुजुकी की ब्रेजा, जिसकी टोटल सेल हुई है 11,836 यूनिट्स की पूरे भारत। एक समय था जब ये गाड़ी टॉप सेलिंग में हुआ करती थी, 2-3 सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रहती थी, इस बार फिर से पीछे हो गए, 6वें पोजीशन पे आ गई है। और ये उम्मीद थी कि ज़्यादा बिकेगी नेक्सॉन से, पिछले महीने ज़्यादा बिकी थी नेक्सॉन से, लेकिन इस महीने भी फ्लॉप हो गई, 6th पोजीशन पे आगे लटक गई है। 5th पोजीशन की बात करते हैं तो आ जाती है आपकी हुंडई क्रेटा, जिसकी टोटल सेल हुई है 14,186 यूनिट की पूरे भारत में। इस गाड़ी की एक्सशोरूम कीमत की बात करें तो 11 लाख ले से 19 लाख, 19.5 लाख तक की आपको मिल जाएगी, ये मैं एक्सशोरूम कीमत बता रहा हूँ। और 4th पोजीशन की अगर बात करते हैं तो आज आपकी आ जाती है नेक्सॉन, जिसकी टोटल सेल हुई है 15,002 यूनिट की पूरे भारत में। नेक्सॉन एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इंडिया का, टाटा इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसमें तरह तरह के नए नए फीचर्स, नए नए वेरियंट्स निकाल रही है, तो कि काफ़ी अच्छा है इसके लिए। 3rd पोजीशन की अगर बात करते हैं तो आपकी आई है मारुति सुजुकी बलेनो, जिसकी टोटल सेल हुई है 16,180 यूनिट्स की पूरे भारत में। इस गाड़ी की एक्सशोरूम कीमत की अगर बात करते हैं तो 6 लाख रुपए से लेकर 8,10,000 रुपए तक की आपकी एक्सशोरूम चली जाती है कीमत। वहीं अगर हम 2nd पोजीशन की बात करते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसकी टोटल सेल हुई है 18,573 यूनिट्स की पूरे भारत में। फुल एंड कैप में इस गाड़ी ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया था, एक स्टार लेके आई थी जो कि बहुत रद्दी इसकी है सेफ्टी रेटिंग, तो मुझे तो इस गाड़ी का कुछ समझ नहीं आता। 1st पोजीशन पे हमेशा की तरह आई है आपकी वैगनार, जिसकी टोटल सेल हुई है 20,879, और मुझे पता था ये गाड़ी हमेशा फर्स्ट आती है। अनसेफ कार है, लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी फिर भी मार रहे हैं कि हमको गाड़ी वैगनार ही लेनी है, वैगनार लेनी है। इस गाड़ी में हमको सेफ्टी, 8 लाख रुपये इसका प्राइस है, 8 लाख में आपको एक डब्बा मिलता है, खोखला डब्बा मिलता है इस गाड़ी का। पता नहीं लोग क्यों दीवाने हुए हैं, मुझे तो नहीं समझ में आती ये गाड़ी। तो दोस्तों ये था कुछ आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।